हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का, तो ये एक तरह से फिज़िक्स का पहला चैप्टर ही है। ठीक है, एक तरह से शुरुआत ही है ये फिज़िक्स की क्लास 9 की। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन के बारे में वैसे मैंने एक वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो उसमें मैंने रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, उनके बीच क्या रिलेशन है, कैसे वो इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन सब बताया हुआ है। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है देन डू वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो में भी मैं मोशन के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी, क्योंकि हमें आगे उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मोशन क्या है, सबसे पहले कि कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, मूव करके जा रही है, तो वो मोशन है। जैसे कि एक बॉल है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई, आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, आप बाईसाइकिल चला रहे हो, आप मोशन में हो, ठीक है, आप ट्रेन पे, बस पे ट्रैवल कर रहे हो, आप मोशन में हो, ठीक है, दैट ट्रेन इज़ इन मोशन, दैट बस इज़ इन मोशन। इवन जो अर्थ क्या है, रिवॉल्व कर रही है ऑन इट्स एक्सिस एज इट ट्रैवल्स अराउंड द सन, वो तो अर्थ भी क्या है, मोशन है, मोशन में है, ठीक है। सिमिलरली कोई प्लेन है, ट्रेन है, कोई भी व्हीकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, दैट थिंग इज़ इन मोशन। तो मोशन के बारे में हमें बताता कौन है, यस फिजिक्स बताती है, लेकिन फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जो हमें मोशन के बारे में बताती है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी ऑफ मोशन के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करती है, हमें उसके बारे में पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती है, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। यानी कि मैकेनिक्स ही है जो हमें रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताती है। मैकेनिक्स दो तरह की होती है प्यारे बच्चों, एक होती है स्टैटिक्स, एक होती है डायनामिक्स। स्टैटिक्स में आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट के ऊपर है, उसके ऊपर स्टडी करोगे, लेकिन जो डायनामिक्स में, डायनामिक्स है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, उसके ऊपर स्टडी करोगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है, उन सभी की जो ऑब्जेक्ट्स का मोशन है, वो कैसे रुक रहे हैं या कैसे चल रहे हैं, उसके बारे में बता रहा है, तो वो मैकेनिक्स होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फिर भी मैं एक बार रेस्ट के बारे में बता दूँ, रेस्ट पोजीशन क्या होती है। कोई भी बॉडी है, ठीक है, रेस्ट पे कही जाएगी कि वो रेस्ट पे बैठी है, रेस्ट पोजीशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। कब, जब वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है, ठीक है। मान लीजिए आप पार्क में बैठे हैं, आपके सामने एक पेड़ है, वो पेड़ चल के तो आपके पास आ नहीं रहा, और ना ही आप उठ के जा रहे हैं, क्योंकि आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा लेज़ी हुए बैठे हैं, ठीक है, ना ही आप उठ के उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, मूव ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल आराम से, तो आप क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू योर इमीडिएट सराउंडिंग्स, आप क्या है, रेस्ट पोजिशन में बैठे हैं। सिमिलरली कोई बुक है टेबल के ऊपर पड़ी है, ना तो आप उस टेबल को धक्का लगा रहे हो, ना कोई और उस टेबल को धक्का लगा रहा है, ना कोई उस बुक को हिला रहा है, वो टेबल के ऊपर एज इट इज़ पड़ी है, तो वो क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो आगे है मोशन, मोशन की भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है मानी जाएगी कि वो मोशन में है, कही जाएगी कि वो मोशन में है, कब, जब क्या है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। रेस्ट में अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं करता, बट इन मोशन इट विल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। मान लीजिए आपके अंदर का आलस खत्म हो गया और आप पार्क में बैठे बैठे उठकर पेड़ की ओर चलने लग गए, आप में मोशन आ गया, आपने मोशन को फॉलो किया, आपने अपनी पोजीशन चेंज की, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचे, ठीक है। सिमिलरली आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ट्रेन चल रही है, मूव कर रही है, तो द ट्रेन इज़ इन मोशन, ठीक है, आप बाईसाइकिल चला रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, सो यू आर इन मोशन, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, जो कि हमारा आज का काफ़ी जो जोर देने वाला टॉपिक है, जिसके बारे में आपको पढ़ाना चाहती थी मैं। हमारे पास बहुत तरह की टाइप्स होती हैं मोशन की, तो एक एक करके उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके रिलेटेड आपको नमेरिकल्स आ सकते हैं। क्लास 9 वाले बच्चों आप ध्यान से सुन लो, इसके रिलेटेड आपको नमेरिकल्स आ सकते हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह भी आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान ली मतलब कि ज़रूरी है कि जो पाथ है वो स्ट्रेट हो, कर्व्ड ना हो, एंगुलर ना हो, यानी कि कहने का मतलब है सर्कुलर ना हो, स्ट्रेट हो, ठीक है पाथ। तो थोड़े बहुत टर्न्स तो आते रहते हैं, हल्के हल्के टर्न्स चल जाते हैं, बट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोस्ट प्रोबेबली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल कोई भी एरोप्लेन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड में उड़ रहा है इन द एयर। मान लीजिए 400-500 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है, उसकी स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, कांस्टेंट है, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या है, वो अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना क्या है वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली कोई भी ट्रेन है, वो एक स्ट्रेट पाथ पे क्या है वो कांस्टेंट स्पीड पे इन द कांस्टेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है अपना डिस्टेंस कवर कर रही है। इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसके बाद है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन के बस उल्टा है। अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन लर्न हो गया, समझ में आ गया, बस सिर्फ एक वर्ड को आपने चेंज करना है और आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है तैयार है। क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रहा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है पर अपने पास इक्वल डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास क्या है अनइक्वल, यानी कि कहीं पर 5 किलोमीटर कवर कर लिया या कहीं पर फिर आगे जाके 2 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर 10 कर लिया, एकदम से स्पीड बढ़ गई उसकी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है बट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसमें भी वही कंडीशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या है, वो अपना जो डिस्टेंस है कवर कर रहा है, दैट बॉडी इज सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन के जैसा ही है, बस क्या है यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम था, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इसकी एग्जांपल है आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, तो कहीं पर आपने कार के स्पीड को बढ़ा दिया, कहीं पर कम कर दिया, ठीक है, हाईवे खाली था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो आपने स्पीड बढ़ा ली, ठीक है, जब ट्रैफिक ज़्यादा हुआ आपने स्पीड को बहुत कम कर दिया, कहीं कहीं पर आपको रुकना भी पड़ा, तो वो क्या है यू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये किसकी एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली टाइप आती है मोशन की, हम क्या है एक तरह से सेकंड टाइप ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी मोशन ऐसी तरह का मोशन है जिसमें क्या है कोई भी जो बॉडी है, एवरी पॉइंट ऑन द मूविंग बॉडी जो क्या है मूव कर रही है थ्रू द सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है वो बॉडी क्या है हर एक जो पॉइंट है मूविंग बॉडी का वो इस तरह से सेम डिस्टेंस में इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है कवर कर रहा है, मोशन को कवर कर रहा है, तो वो क्या है ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी बस है या स्कूटर है रोड के अलोंग ही मूव कर रहा है। सेकंड है कोई भी फुटबॉल है ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है, इट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी तीसरी एग्जांपल, कोई भी आदमी है कोई इंसान है वो एक स्लोप के अकॉर्डिंग क्या है स्लाइड डाउन कर रहा है, कोई इंक्लाइंड स्लोप है उसके अकॉर्डिंग क्या है उसके अलोंग क्या है स्लाइड डाउन कर रहा है, इट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली आप क्या है अपने किचन में या अपने रूम में अपने टेबल को पुल आउट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर निकाल रहे हैं, पुल आउट कर रहे हैं इन द रूम, इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है।
तो ये तो हो गई आपकी सेकंड टाइप ऑफ मोशन। अगली हम करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मोशन, विच इज़ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है, वो ये एक ऐसी तरह का मोशन मोशन है, देखिए ट्रांसलेटरी मोशन में और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, हम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ गया। कैसे? इट इज़ अ सर्कुलर मोशन। कैसे? सर्कुलर मोशन में क्या है, कोई भी मोशन है ऑफ इन द इन विच, ये एक ऐसा मोशन है जिसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रही है और अपनी लोकेशन ही चेंज कर रही, यानी कि क्या है, ये एक सर्कुलर फॉर्म में क्या है, मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट, इट इज़ मूविंग अलोंग इट्स एक्सिस, दैट मीन्स इट इज़ रोटेटिंग। ठीक है, तो एक तरह से ये रोटेटरी मोशन भी कहा जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो मूव कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और क्या है, अपनी लोकेशन को वो चेंज नहीं कर रही है, इट इज़ अ रोटेटरी मोशन और यू कैन से इट इज़ अ सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल आप लोगे, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, मैरी गो राउंड है। मैरी गो राउंड में क्या है, क्या वो अपनी लोकेशन चेंज करता है, मैरी गो राउंड घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है? नो, इट डज़ नॉट चेंज इट्स लोकेशन, बट इट डज मूव अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, ये अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या है, ये मूव करता रहता है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप सभी के घरों में होगी, क्या है, टेबल फैन। ठीक है, सभी के घरों में टेबल फैन, या आपने घरों में नहीं किसी शॉप में या कहीं पे भी टेबल फैन देखा होगा, इसमें जो फैन है अपने फिक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, मूव करता है, ये फैन क्या है, निकल के बाहर आके सबके पीछे नहीं पड़ जाता, अपनी जो जहाँ पर ये फिक्स्ड होता है वहीं पे मूव करता रहता है और अपनी एक्सिस के अलोंग ये मूव करता है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। थर्ड वन इज आवर अर्थ। हमारी अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, एक्सिस उसकी फिक्स्ड है, ठीक है, अपनी एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। सो अवर अर्थ इज रोटेटिंग, अवर अर्थ इज रोटेटिंग, सो अवर अर्थ इज पजेसिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन और यू कैन से द रोटेटरी मोशन। ओके, तो हमारी अब अगली टाइप है, अगर आपको ये सारी क्लियर हो चुकी हैं तो हम अपनी अगले टाइप ऑफ मोशन के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमारी अगली टाइप है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन में क्या है, रिपीटेड टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अलोंग द सेम पाथ, मस्ट रिमेंबर अलोंग द सेम पाथ जो है, रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है या फिर कोई बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, इट इज़ नोन एज ओसिलेटरी मोशन। इसके बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इसके अलावा मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन के बारे में भी बताऊंगी जो इसके रिलेटेड होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे अलग होता है। ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर ज़रूर समझाऊंगी। अभी इसके हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप पार्क में हो, आप स्विंग्स के ऊपर झूल रहे हो, सीसा के ऊपर आप खेल रहे हो, दीज आर, ये जो झूले हैं, ठीक है, ये जो झूले हैं ये ऑसिलेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अपनी नेक्स्ट टाइप आ जाती है प्यारे बच्चों, पीरियोडिक मोशन। ये हमारी लास्ट टाइप है टाइप ऑफ मोशन में। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या है, वो मोशन जो रिपीट कर रहा है अपने आप को ही आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मोशन है वो अपने आप को ही क्या है, रिपीट कर रहा है, इन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्सेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट इट्स मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आई होप आप सभी को ये जो सारी के सारी टाइप्स थी अच्छे से समझ आ गई और जो है लर्न होने लग गई। ठीक है, अभी हम पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल करते हैं। पीरियोडिक मोशन की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पेंडुलम, मूविंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, कैसे, ये अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पेंडुलम जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को क्या है, रिपीट कर रहा है। सो इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बस इंजन का पिस्टन जो होता है,
वो कैसे कांस्टेंट स्पीड के ऊपर रन करता है, और जो पिस्टन है बार बार उसी अपने आप को इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट स्पीड के ऊपर क्या रिपीट करे जा रहा है, रिपीट करे जा रहा है। सो इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके, तो प्यारे बच्चों आज हमने मोशन के बारे में पढ़ा, उसकी बहुत सी टाइप्स की, कौन कौन सी टाइप की। सबसे पहले हमने टाइप की यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद हमने किया ट्रांसलेटरी मोशन, फिर हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन, या इसका अनदर नेम हमने कहा था रोटेटरी मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन के बारे में। होप सो आपको ये सारी जो टाइप्स थी वो क्लियर हो गई हों, और जो मैंने आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, होप सो कि वो जो है पूरी की पूरी कारगर हुई हों, सफल हुई हों। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगली वीडियो में आपको एक और अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगी मैं आपके सामने, और अच्छा टॉपिक को उस अच्छे टॉपिक के और अच्छे से क्या है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।